ਇਹਦਾ ਕੰਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਇਆ ਦੱਸ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਇਆ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ क्योंकि उन्हें खोते बहुत पसंद सी। वेल तो दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मुझे लगता है कि आप मेरी वीडियोस देख देख कर थक चुके हैं। नहीं तो आज की हमारी ये वीडियो आपको बहुत हंसाने वाली है, तो तैयार हो जाइए हंसते हंसते ठुसकी छोड़ने के लिए। और आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, इसलिए इसे दिल पर ना लें और कम अज कम कॉमेंट्स में अपनी ठुसकी न छोड़ें। इंडियन फनीएस्ट वेडिंग मोमेंट पार्ट 21। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों अगर गर्मियों में शादी हो और मोहल्ले की आंटी को डांस करनी पड़ जाए तो फिर आपको इस तरह की खुजली डांस देखने को मिलती है। अब यार मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि शादी के फंक्शन में डांस करते हुए पापा की परियां गिरती क्यों है। अगर आपको कुछ समझ आए तो मुझे जरूर कमेंट में बताना। कहा था ना अपने हाथी जैसे जिस्म का ख्याल करो, लेकिन नहीं, इन्हें तो स्टेज के साथ साथ अपना पतीला भी तुड़वाना है। चलो यार यहाँ तक तो ठीक था कि इसने अपनी ही प्रॉपर्टी तोड़वा दी, लेकिन कुछ आंटियां तो ऐसी होती हैं जो नाच नाच कर स्टेज ही तोड़ देती हैं। अब जब मोहल्ले की चाची मूली के पराठों के साथ बैंगन की सब्जी खा ले तो फिर कुछ इस तरह का डांस उभर उभर कर निकलता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब यार समझ नहीं आती कि आंटी डांस कर रही है या फिर जलेबी बना रही है, मतलब इसके डांस को देखकर तो जलेबियों को भी चक्कर आ जाएं। अब यार भारत की शादी हो और नागिन डांस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ दो मादा नागिन को देख सकते हैं। सावन यानी मिलन का मौसम है, ये ऐसे ही डांस करके अपनी मनी निकाल कर बाहर रख देंगी। जो डांस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 100 साल में सिर्फ एक ही बार होता है। अच्छा। अब भाई साहब घबराओ नहीं, ये कोई रेस्क्यू टीम नहीं है बल्कि दूल्हे को दुल्हन के घर ले जाया जा रहा है। अब देख रहे हो शुक्ला जी को, चाहे जो भी हो जाए ये आज शादी करके ही रहेगा, चाहे इसे समंदर ही क्यों ना पार करना पड़े। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो यार। और हाँ ये तो आप बताना ही भूल गए कि आप हमें इस वक्त किस गली किस नुक्कर किस शहर से देख रहे हैं, जरा कमेंट में बता दें। मजा नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो दुनिया के सबसे भयानक डांस को देख लें। अब यार दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। जा पूछ क्या। अब जरा इस अगली वायरल वीडियो को देखें, जिसमें दुल्हन शादी होने के बाद एयरपोर्ट पर पहुंचते ही ठुमके लगाना शुरू कर देती है। अबे यार घर तो चली जाती, वहां पर अपनी कमर को तोड़ मोड़ लेना था। अब इस क्लिप को देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं। देख रहे हो दोनों को, ऐसे लग रहा है जैसे एक दूसरे पर पिस्तौल तान कर खड़े हैं। अब लगता है कि दूल्हे ने इस गुलाब जामुन को खाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि ये गुलाब जामुन इसका हम शक्ल है। अब यार इस दूल्हे को देखें, जिसकी शादी में कुछ बारिश ज्यादा हो गई है, रोड पर हर तरफ पानी ही पानी है। ये खुद तो घोड़े पर बैठकर आराम से जा रहा है लेकिन अभी दुल्हन को पैदल ही चला रहा है। अब ये कहाँ का इंसाफ है भाई। अब इस अगली वीडियो क्लिप में देखें, जहाँ पर दूल्हा बहुत ही गुस्से में होता है, हो सकता है कि इसकी शादी इसकी मर्जी के खिलाफ हुई हो, फिर गुस्से में इसने कुछ ऐसा किया जिसे देख कर बच्चे बूढ़े सब डर गए। अब इस अगली शादी में आप एक दुल्हन को नहीं एक हाथी को देखने वाले हैं। दोस्तों जब बॉडी बिल्डर यानी जिम फ्रीक्स की शादी होती है तब वो कुछ इस तरह से अपनी बॉडी दिखाते हैं। अब इस दूल्हे मियां से मिलिए जो अपनी ही शादी में कॉमेडी कर रहा है, पता नहीं कौन सा ऐसा शरारत का कीड़ा है जो इसे एक जगह पर टिकने नहीं देता। उठा ले रे बाबा उठा ले।
मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। अब कुछ दूल्हों को अपनी ही शादी पर लड्डू खाने में शर्म आती है और कुछ इस टाइप के हरामी होते हैं जिन्हें आगे पीछे ऊपर नीचे और दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। अब लगता है कि दुबे जी को अपनी शादी की कोई परवाह नहीं, इनका बस एक ही मिशन है, खाना खाना और खाना। अब यार थोड़ी सी तो शर्म करो भाई। अब ये तो था बेशर्म दूल्हा। इसके बाद आते हैं कुछ शरीफ से दूल्हे जिन्हें शर्म के मारे ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नजर नहीं आता। अब जैसे ही दूल्हे मियां के सामने खाने की थाली रखी गई, तो दूल्हे मियां ने अपनी थाली को खुद ही पलटा दिया। नो 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 नो। खत्म। आपने गुलाब जामुन को रसगुल्ला खाते हुए कभी देखा है? अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को देखें। अब यार मार्केट में कुछ दूल्हे ऐसे आ गए हैं जो अपनी शादी पर सिर्फ बैंड ही नहीं बजाते बल्कि अपनी गाड़ी को धक्का भी देते हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझा। वेल तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।